So yes guys, welcome back to another video of Indian Football Talks and again Vedant is here from the Madrid Pundits. Link होगी description में, subscribe कर देना. भाई बोल रहे होगे, भाई गाली दे रहे होगे Barcelona fan को, क्यों बार-बार Madrid के पीछे पड़ा है? छोड़ दे Madrid को अपने हाल. But देखो, ये है build up for the El Clasico coming up जो होगा. बट मैड्रिड का जो है फॉर्म ध्यान में रखते हुए हमें उन पर भी ध्यान देना, हमें बार्सिलोना पर भी ध्यान देना. आज यहाँ पर बातें होंगी रिव्यू के बारे में, रिव्यू भी होगा बार्सिलोना का. तो पहले रिव्यू से स्टार्ट करते हैं. मैड्रिड फैन, देखो भाई मैड्रिड को हम काउंट आउट कर ही नहीं सकते फ्रॉम द यूसीएल. ये मैड्रिड का कॉम्पिटिशन, मैड्रिड इज बॉर्न फॉर दिस. क्या बोलते हो? डेफिनेटली आई कम्प्लीटली अग्री विद यू. और ये मैंने अपने वीडियो में भी बोला था कि हो सकता है कि पीएसजी विल स्कोर इन द फर्स्ट हाफ, बट सेकेंड हाफ में समहाउ और दी अदर ना वील स्कोर एंड इधर द गेम विल गो टू एक्स्ट्रा टाइम एंड वील विन इट, और द वील विन इट फॉर श्योर इन सेकेंड हाफ. एंड वो ही हुआ है हमें सेकेंड हाफ में. रियल मैड्रिड कमिंग बैक कम्प्लीटली, 3 goals इन कितना 15-20 मिनट्स के ड्यूरेशन में हमें देखने को मिला. एंड मैच एकदम पलट सा गया. हाँ सॉरी 12 minutes, माई बैड, पलट ही गया पूरा मैच. मतलब मैड्रिड फैंस के लिए ना कुछ कुछ तो इतने रिएक्शनरी हो रहे हैं, बोल रहे हैं बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. एंड मैं ऑनेस्टली आपसे बात करूँ ना, मैड्रिड क्वालिफाई हुई उसकी मेरे को खुशी बहुत है, ठीक है. बट पीएसजी निकली ना, पीएसजी को हमने नॉकआउट किया ना, पीएसजी निकल गई ना कॉम्पिटिशन से, उसका ज़्यादा खुशी है मेरे को. मतलब समझ रहे हो ना, जब कुछ भी कर लो तुम, कितने भी पैसे डाल लो किसी को भी, ये मैड्रिड और बार्सिलोना फैन बार्सा लेवल पर आओगे ना तुम, बायर्न प्लेयर पर नहीं आ सकते भाई. हाँ नहीं आ सकते, इनफैक्ट आप कोई प्रीमियर लीग के क्लब के लेवल पे भी नहीं आ सकते. एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट लिवरपूल यूनाइटेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. एंड कुछ कुछ भी हो जाए, ये तो बार्सिलोना आप हो और मैं मैड्रिड फैन, हम दोनों इक्वली पीएसजी को हेट करते हैं. कोई भी लालीगा फैन को जाके पूछ लो, पीएसजी को कितनी गालियां दे कम पड़ जाती हैं लालीगा फैंस के लिए, क्योंकि रैमोस और मेस्सी दोनों को छीना है. और वो नसर खलीफा ने, खलेफी ने जो भी है, उसका तो अभी जेल जाना पूरा सीन बन रहा है उसका. एंड एम्बापे भी उसके हाथ से जा ही रहा है, और उसने जो बकचोदी पे लिया ना एम्बापे के ट्रांसफर रिलेटेड, उससे तो अलग ही. तो हम मैड्रिड फैंस बहुत बहुत खुश हैं दैट वी हैव एलिमिनेटेड पीएसजी. मतलब एक ऐसा हमें यू नो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला कि हम ही पीएचडी को एलिमिनेट करें, तो बहुत बढ़िया था. है भाई फर्स्ट हाफ में तो भाई मुझे सही में लगा था कि पीएचडी डोमिनेट कर रही है बहुत अच्छी तरीके से, बट सेकंड हाफ में जो हुआ भाई, हमारे बेंजिमा चीचा जग गए अचानक से, उनकी आग में कुछ आ गया एंड हैट्रिक फेल दिया भाई ने. सिर्फ 12 मिनट में अपनी हैट्रिक कंप्लीट की, पहले गोल के बाद अचानक दूसरा. मैं पहला गोल देख रहा हूँ भाई, पहला गोल जा रहा है, रिप्ले पड़ गया और अचानक दूसरा गोल पड़ गया. पता नहीं है कि कहां से बिल्डअप चालू हुआ कि क्या हुआ, क्योंकि हम लोग तो टीवी पे बैठ रहे हैं, बस 60,000 पीपल नो. हाँ मॉड्रिच, मॉड्रिच वाज लाइक यार उसका बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढो, चेक करो, वो 36 का नहीं हो सकता, वो 26 का होगा. सिर्फ मॉड्रिच नहीं, लोग काफी मॉड्रिच को दे रहे हैं रिकॉग्निशन जो कि काफी अच्छा है, बट वेलवर्डी, वेलवर्डी काफी क्रूशियल था मेरे हिसाब से इस गेम में. ही वॉज एवरीवेयर ऑन द पिच. मार्को वराटी को 4-5 बार डिस्पोजेस किया, लियोनेल मेसी को 3-4 बार डिस्पोजेस किया है, नेमार को आउट रन किया है, किलियन एम्बाप्पे को फियर्स रोल प्ले करने नहीं दिया इस पीएचडी टाइम में. आई नो कि 3 बार ही हिट इनसाइड द नेट वगैरह वगैरह तुम बोल सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वेलवर्डे वॉज कवरिंग ऑलमोस्ट एवरीवन ऑन द पिच. तो वेलवर्डे की तरफ से भी बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली. कोई नहीं, मैड्रिड फैन की खुशी देखी जा रही है बयान से, अभी भी हंस रहे हैं भाई. 4 घंटे नींद लेके बंदा फ्रेश दिख रहा है, तो समझ जाना है मैड्रिड ने बहुत कुछ कर दिया. तब जाते हैं भाई, ये तो हो गया मैड्रिड, अब फाड़ दिया है मैड्रिड ने. अब जाते हैं बारसा पर, गैलेटासराय के साथ मैच है आज रात को 1:15 AM. क्या लगता है प्रेडिक्शन? प्रेडिक्शन मांग रहा ना तू? मैं प्रेडिक्शन नहीं, पूरा बता दे क्या मतलब, क्या लगता है कैसा गेम जाएगा, इंटरेस्टिंग होने वाला है या बोरिंग होगा, या सिर्फ बारसा वन एक ही तरफा मैच होगा? मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक वन साइडेड मैच होगा. जावी की फिलोसफी उसकी उसको ये मैच में ले जाएगी आगे, क्योंकि गैलेटासराय भाई देखो मेरे को मालूम है कि एक नॉकआउट कंपटीशन और एक लीग में काफ़ी डिफरेंस होता है, बट कहीं ना कहीं हम हमारे प्रिडिक्शंस का असेसमेंट कुछ क्लब्स के लीग परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे बनाते हैं ना. तो भाई गैलेटासराय आर 12th इन सुपर लीग, या जो भी उनके लीग का नाम है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट. तो
भाई क्लियरली कहीं ना कहीं तो पता चल रहा है ना तुम्हें कि गैलेटासरे का सीजन बराबर नहीं जा रहा है, घटिया जा रहा है, जो भी है। एक टाइम पे दे यूज टू विन दैट लीग एंड नाउ देर 12th। उन्होंने 25 मैच खेले हैं एंड दे जस्ट हैव 36 पॉइंट्स, सो दैट्स अ प्रीटी पुअर रिकॉर्ड। उन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस हारे हैं जितने उनसे जीते, मतलब हाँ ऐसा ही कुछ है। मतलब 25 मैच में 36 या 37 पॉइंट्स अक्यूमुलेटेड है उनके लीग में, जो कि काफ़ी पुअर है फॉर समवन लाइक गैलेटासराय इन देयर लीग एटलीस्ट। तो मेरे हिसाब से एक दफ़ा वन साइडेड मैच होगा ये। जावी की फिलोसफी पोजेशन रखेगी बार्सिलोना एंड ट्राउरे ओबामियांग धूम मचाएंगे, बस यही होगा मेरे हिसाब से। चार गोल फिर से पार देगी बार्सिलोना, वापस चार गोल मार दिया तो हो गया भाई, फिर तो भाई ऐसा रिव्यू बनाऊंगा ना। हाँ तो भाई ये बिल्डअप चलता ही रहेगा, बार्सिलोना रियल मैड्रिड एल क्लासिको बिल्डअप चलता ही रहेगा, और आने वाले दिनों में ऐसे बहुत से वीडियोस दिखे वेदांत को देखते रहोगे चैनल पर, समझ रहे हो, और भी बहुत आएंगे भाई, तो सब्सक्राइब कर लेना, भूलना नहीं बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, और मंडित पंडित की लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेक करो, बहुत तगड़ी भाई, इतना अच्छे ग्रोथ हो रही है भाई, करो भाई मंडित अगर अल्ट्रास हो तो कम ऑन। तो भाई इधर ही एंड करते हैं, तो आपसे अगली वीडियोज में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, बार्सिलोना।